हाँ तो क्या अपन पढ़ रहे थे, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पढ़ा था। मैंने बताया था कि ओल्डी जरा समझ लीजिए, अभी फिगर से मैंने बताया था, राइट वेंट्रिकल जो है उससे पल्मोनरी एओर्टा निकलती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से मैंने बताया था सिस्टमिक एओर्टा निकलती है। पल्मोनरी एओर्टा हार्ट के बाहर दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है जिन्हें पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी होती है सभी के अंदर प्योर ब्लड बहता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक इसी प्रकार से बॉडी में जितनी भी वेन होती हैं सारी वेन में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर। पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड फ्लो करता है? प्योर ब्लड फ्लो करता है। एक चीज और याद रखना, जो ब्लड लंग के अंदर जा रहा है वो इम्प्योर होता है और जो ब्लड लंग से बाहर निकलता है वो प्योर होता है। इसी को दूसरे रूप में सोचिए, देख रहे हैं, जो ब्लड लंग के अंदर जाता है वो CO2 वाला होता है और जो ब्लड लंग से बाहर निकलता है उसमें O2 होती है। एक चीज और तुमको बताएं, जैसे जब एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायर्ड एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है? 16% होती है, 16% होती है। ये PMT में पूछा गया है कि एक्सपायर्ड एयर में कितने परसेंट CO2 होती है, तो आप कितने परसेंट ऑक्सीजन होती है, तो आपका आंसर है 16% ऑक्सीजन होती है। अब देखा जाए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें, देखिए मैंने बताया है कि ह्यूमन की हार्ट बीट कितनी होती है, 70 से लेकर के 75 बार, 70 to 75 टाइम पर मिनट होती है। एक मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है? 70 से 75 बार होती है। अगर जो एवरेज आप देखोगे तो एवरेज कितनी आती है ह्यूमन की हार्ट बीट? 72 टाइम पर मिनट आती है। दूसरी बात देखा जाए तो एक मिनट में 72 टाइम या अपन ये कह ले 70 से 75 बार तक हार्ट कांटेक्ट और रिलैक्स हो सकता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की क्या होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, तो एक बार जब वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है तब जितनी ब्लड की मात्रा को आर्टरी में पंप किया जाता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। मैंने क्या बताया कि जब एक बार वेंट्रिकल कांटेक्ट होता है तो जितनी ब्लड की क्वांटिटी को आर्टरी में पंप करता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 70 ml होती है। मतलब जब वेंट्रिकल एक बार कांटेक्ट होते हैं तो 70 ml ब्लड को आर्टरीज में फेंकते हैं। दूसरी बात देखा जाए कार्डियक आउटपुट क्या होता है। एक मिनट में हार्ट के द्वारा जितनी ब्लड की क्वांटिटी को आर्टरी में पंप किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने क्या बताया, एक हार्ट के एक बार के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जितनी ब्लड के अमाउंट को आर्टरीज में फेंका जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, एक मिनट में हार्ट के द्वारा जितने ब्लड के अमाउंट को आर्टरी में पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, ये होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। हार्ट बीट कितनी पर मिनट। अब देखा जाए कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 होता है, और हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती है, आप 75 मान करके निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो 75 × 70, ये 0 0
इतना आ गया है। ये आ गया जीरो, ये फाइव टू फाइव। अब देखा जाए क्या होता है, ये किस में आ गया, एम एल में आ गया, ये फाइव टू फाइव ये एम एल में आ गया। इसको अगर जो हम लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.250 लीटर आ जाएगा। तो एक मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को फेंका जाता है आर्टरीज में, और इतने ब्लड वेन के द्वारा आर्टिकल रिसीव करता है। तो जितना ब्लड पंप किया जाता है हार्ट से, उतने ब्लड रिसीव किया जाता है वेन के द्वारा। तो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 5 लीटर होती है। तो इस पर स्ट्रोक वॉल्यूम तुम्हें याद रखना है। अब देखा जाए क्या होता है, एक होता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल देखो क्या होता है, हम कार्डियक साइकिल की अगर जो बात करें तो कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, दो बार के हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बीच के समय या दो बार के हार्ट के रिलैक्सेशन के बीच के समय को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल बराबर क्या होता है, कार्डियक साइकिल बराबर क्या होता है, टाइम, ये क्या दिया गया है, टाइम किसमें, इन सेकेंड अपॉन हार्ट बीट पर मिनट, ये हार्ट बीट पर मिनट। तो देखा जाए क्या होता है, टाइम को हम किसमें लिखते हैं, सेकेंड में लिखते हैं। तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। हार्ट बीट कितना है, 75। इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 0.8 सेकेंड आ जाएगा, ये 0.8 सेकेंड आ जाएगा। तो कार्डियक साइकिल मैंने क्या बताया, दो बार के हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बीच के समय या दो बार के हार्ट के रिलैक्सेशन के बीच के समय को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल का फार्मूला क्या होता है, टाइम अपॉन हार्ट बीट पर मिनट, टाइम हमने डाल दिया 60 और हार्ट बीट पर मिनट कितने, 75 डाल दिया, डिवाइड कर दोगे तो 0.8 सेकेंड आ जाएगा। तो ह्यूमन की कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड होता है। एक बात और तुमको ऑलरेडी मैंने बताया है कि हार्ट बीट कहाँ से स्टार्ट होती है, एसए नोड से स्टार्ट होती है, इसीलिए एसए नोड को क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन सेंटर कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, हार्ट विद इन हार्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हार्ट विद इन हार्ट भी कहते हैं। आगे देखा जाए सिस्टोल, एक टर्म होता है सिस्टोल, क्या चीज होती है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। अब आर्टिकल का सिस्टोलिक टाइम क्या होता है, ये आर्टिकल का सिस्टोलिक टाइम, आर्टिकल सिस्टोल आर्टिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, ये क्या है, वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल सिस्टोल। आर्टिकल का सिस्टोलिक टाइम बराबर कितना होता है, 0.1 सेकेंड होता है, और इसका सिस्टोलिक टाइम कितना होता है, 0.3 सेकेंड होता है। तो मैंने क्या बताया, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। आर्टिकल का सिस्टोलिक टाइम कितना होता है, 0.1 सेकेंड होता है, और वेंट्रिकल का सिस्टोलिक टाइम कितना होता है, 0.3 सेकेंड होता है। दूसरी चीज देखा जाए डायस्टोल क्या होता है, हार्ट के रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। हार्ट के रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो आर्टिकल का डायस्टोलिक टाइम, ये क्या दिया गया है, डायस्टोलिक, ये डायस्टोलिक टाइम कितना होगा, 0.7 सेकेंड होता है, और वेंट्रिकल का डायस्टोलिक टाइम, ये डायस्टोलिक कितना टाइम होता है, 0.5 सेकेंड होता है, 0.5 सेकेंड होता है। तो मैंने क्या बताया, आर्टिकल सिस्टोल क्या होता है,
हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। आर्टिकल का सिस्टोलिक टाइम कितना है 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल का सिस्टोलिक टाइम कितना है 0.3 सेकेंड। नेक्स्ट मैंने बताया डायस्टोल। डायस्टोल क्या चीज होती है, हार्ट के रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। आर्टिकल का डायस्टोलिक टाइम कितना है 0.7 सेकेंड और वेंट्रिकल का डायस्टोलिक टाइम कितना है 0.5 सेकेंड होता है, 0.5 सेकेंड होता है, 0.5 सेकेंड होता है, 0.5 सेकेंड होता है। ये बात अपने को याद रखनी है। आगे देखा जाए क्या होता है, अगर जो हम ब्लड का सर्कुलेशन देखें तो ब्लड का सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। ब्लड का सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक सिंगल सर्कुलेशन होता है और दूसरा डबल सर्कुलेशन होता है। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन सपोज करिए यहाँ पर ये लंग्स हैं, ये मान लेते हैं लंग्स हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये हार्ट है, हार्ट है, इस प्रकार से ये हार्ट और ये क्या होते हैं लंग होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है बॉडी, ये बॉडी पार्ट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं बॉडी पार्ट कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया बॉडी पार्ट। अब देखा जाए क्या होता है बॉडी पार्ट, यहाँ पर मैंने गिल्स बनाया, ये क्या होते हैं गिल्स, ये क्या होते हैं गिल्स होते हैं। बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट के अंदर आता है, इस प्रकार से ये हार्ट के अंदर आता है ब्लड, और हार्ट से ब्लड कहाँ ले जाया जाता है, गिल्स में ब्लड को पंप किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ से ब्लड को डायरेक्ट बॉडी पार्टों में भेजा जाता है। तो हम देख रहे हैं हार्ट से होकर के केवल एक बार ब्लड पास होता है और वो भी कैसा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इस साइड में कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अगर जो हार्ट से होकर के केवल एक बार ब्लड पास होता है तब उसे क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। मैंने क्या कहा बॉडी पार्टों से इम्प्योर ब्लड, कैसा ब्लड ले जाया जाता है CO2 वाला ब्लड, इसमें भी कैसा भरा है CO2 वाला, यहाँ पर भी ब्लड कैसा होता है CO2 वाला, फिर हार्ट से CO2 वाले ब्लड को कहाँ भेजा जाता है गिल्स में, और गिल्स में क्या होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और फिर गिल्स से क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पंप किया जाता है, इस प्रकार से बॉडी के डिफरेंट पार्टों में पंप कर दिया जाता है। तो अगर जो हार्ट से होकर के केवल एक बार ब्लड पास होता है तब उसे क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। और इस टाइप का सर्कुलेशन फिशेस में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है। दूसरा कौन सा होता है, डबल सर्कुलेशन की बात करो तो ये डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन की हम बात करें तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर ये हार्ट है, ये हार्ट मैंने बना दिया, यहाँ पर क्या है ये लंग्स है, ये लंग्स मैंने बना दिया, और यहाँ पर क्या होते हैं बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है। अब देखा जाए क्या होता है बॉडी पार्टों से इम्प्योर ब्लड कहाँ पर आता है, हार्ट के अंदर आता है, तो ये ब्लड कैसा है CO2 वाला ब्लड है, इस प्रकार से ये CO2 वाला ब्लड कहाँ आ रहा है, हार्ट के अंदर आ रहा है, और हार्ट से ब्लड को कहाँ भेजा जा रहा है, लंग के अंदर भेजा जा रहा है, ये ब्लड कैसा है CO2 वाला ब्लड है, मतलब इम्प्योर ब्लड है CO2 वाला ब्लड है,
तो ये ब्लड CO2 वाला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये वाला ब्लड कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब लंग में क्या होता है, गैसों का डिफ्यूजन होता है, मतलब इन प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड को कहाँ लाया जाता है, हार्ट में लाया जाता है। ये कैसा ब्लड है, O2 वाला ब्लड है। इस प्रकार से ये O2 वाला ब्लड इस चैम्बर में आएगा, फिर इस चैम्बर से O2 वाले ब्लड को कहाँ, बॉडी के डिफरेंट पार्टों में पंप कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्टों में। तो इस साइड में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लड है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हार्ट से होकर के दो बार ब्लड पास हो रहा है, एक बार किस रूप में जा रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में, और दूसरी बार कैसा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में। और ये ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैमल्स में क्या है, रेप्टाइल्स में और क्रोकोडाइल में देखा जाए, प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट चैम्बर में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये मैमल्स में मिलता है, बर्ड्स में मिलता है और एडवांस रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल में मिलता है और इस प्रकार का फिशेस में पाया जाता है। तो ये सिंगल सर्कुलेशन है और ये डबल सर्कुलेशन है। इसमें क्या है, बॉडी पार्टों से इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाया जाता है, हार्ट में, और हार्ट से फिर इम्प्योर ब्लड को कहाँ ले जाया जा रहा है, लंग में ले जा रहा है, और लंग में इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर प्योर ब्लड को कहाँ लाया जाता है, हार्ट के अंदर लाया जाता है, और फिर प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्टों में पंप कर दिया जाता है। तो एक बार ब्लड इम्प्योर फॉर्म में हार्ट के अंदर इंटर करता है और दूसरी बार प्योर फॉर्म में ब्लड इंटर करता है, तो हार्ट से होकर के ब्लड दो बार पास हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है, एक पोर्टल सिस्टम होता है। अब देखा जाए पोर्टल सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी देख लीजिए ध्यान से। पोर्टल सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम के बारे में देखा जाए क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर ये हार्ट है, ये हार्ट मैंने बना दिया, ये हार्ट मैंने बना दिया, और यहाँ पर क्या होते हैं, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने बना दिया ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है। अब देखा जाए नॉर्मली क्या होता है, हार्ट से आर्टरी ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्टों में ले जाती है। इस प्रकार से ये क्या होती है, आर्टरी होती है, आर्टरी, हार्ट से आर्टरी बॉडी के डिफरेंट पार्टों में ब्लड सप्लाई करती है, प्योर ब्लड, और इससे क्या निकलती है, यहाँ से वेन निकलती है, वो हार्ट को, हार्ट बॉडी पार्टों से इम्प्योर ब्लड को वापस लाती है हार्ट में। तो ये क्या है, वेन कहलाती है, ये क्या है, वेन कहलाती है। तो इधर कैसा ब्लड होगा, CO2 वाला होगा, और इधर ब्लड कैसा होगा, O2 वाला होगा। ये नॉर्मल कंडीशन कहलाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वेन, ये जो हार्ट है, ये मान लेते हैं बॉडी पार्ट है, ये तो नॉर्मल टाइप का सर्कुलेशन है। कभी कभी क्या होता है, इससे जो आर्टरी निकलती है, ये इस बॉडी पार्ट में प्योर ब्लड को ले गई, ये आर्टरी है, आर्टरी है, प्योर ब्लड को ले जा रही है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को इसमें बॉडी पार्ट में ले जा रही है। एक बॉडी पार्ट यहाँ पर और है, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है। अब इससे जो वेन निकलनी चाहिए, उसको ब्लड कहाँ लाना चाहिए था, हार्ट में,
हार्ट में ले जा करके किसी दूसरी बॉडी पार्ट में ये ब्लड अपना ले जा रही है। तो ये क्या है, वेन है, और इस बॉडी पार्ट की वेन इसके ब्लड को कहाँ ला रही है, हार्ट के अंदर ला रही है। इस प्रकार से ये भी क्या है, वेन है। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये पोर्टल सिस्टम कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। मैंने क्या बताया, नॉर्मली क्या होता है, हार्ट से जो आर्टरी बाहर निकलती है वो प्योर ब्लड को बॉडी पार्टों में ले जाती है, और बॉडी पार्टों से इम्प्योर ब्लड को वेन के द्वारा हार्ट में ब्लड को लाया जाता है। लेकिन कभी कभी वेन बॉडी के पार्टों से अपने ब्लड को हार्ट में ना ले जा करके किसी दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाती है, और इस बॉडी पार्ट की वेन के द्वारा ब्लड को हार्ट में लाया जाता है, तब इस सिस्टम को क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं। जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल से हिपैटिक पोर्टल वेन निकलती है वो अपने ब्लड को हार्ट में नहीं लाती है, बल्कि कहाँ ले जाती है, लीवर में ले जाती है, और लीवर से जो हिपैटिक वेन निकलती है वो ब्लड को कहाँ लाती है, हार्ट में लाती है। तो उसे क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें मालूम है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो वहां से जो वेन निकलती है हिपैटिक पोर्टल वेन में, उसमें फूड की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा ब्लड में फूड की क्वांटिटी पूरे ब्लड में न फैल जाए, इसलिए हिपैटिक पोर्टल वेन अपने ब्लड को कहाँ लाती है, लीवर में लाती है। और लीवर क्या काम करता है, जितना भी नॉर्मल से एक्सेस फूड होता है उसको लीवर की सेल निकाल करके अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और फिर नॉर्मल क्वांटिटी में जब शुगर बचती है तब हिपैटिक वेन के द्वारा ब्लड को कहाँ लाया जाता है, हार्ट के अंदर लाया जाता है। इसलिए इस प्रकार से ब्लड में शुगर की क्वांटिटी क्या होती है, मेंटेन बनाई रखी जाती है। अब देखा जाए क्या होता है, ईसीजी के बारे में देखा जाए क्या होता है। ईसीजी के बारे में अगर जो अपन देखते हैं तो क्या होता है, ईसीजी में क्या किया जाता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाया जाता है कि हार्ट अपना ठीक से काम कर रहा है या हार्ट अपना ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस बात का पता ईसीजी के द्वारा लगाया जाता है। तो देखा जाए क्या होता है ईसीजी के बारे में, अगर जो अपन देखें ईसीजी तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, सुनने में आपको अपोजिट लगता है लेकिन यह सही है, जिस मशीन के द्वारा ईसीजी निकाली जाती है उस मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और ग्राफ पेपर पर जो फिगर बन के आता है, ग्राफ बन के आता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ग्राफ पेपर पर ग्राफ बन के आता है, और उस मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जो दोनों नाम एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं। हमको ऐसा लगता है मशीन का नाम होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफ का नाम होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ग्राफ मशीन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और ग्राफ पेपर पर जो ग्राफ बन के आता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अब देखा जाए कैसे ईसीजी के बारे में देखा जाए, तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। इस प्रकार से यह ग्राफ आता है, इसे क्या कहते हैं, पी वेव्स कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, इसको आर कहते हैं, इसको यस कहते हैं, इसको टी, और फिर ये पी, फिर ये क्यू, और फिर ये आर, और फिर ये एस। पी वेव्स को क्या होता है, पी वेव्स क्या इंडिकेट करती है, ऐसे नोट से हार्ट बीट स्टार्ट होती है।
पी वेव्स क्या इंडिकेट करती है कि ऐसे नोड से हार्ट बीट स्टार्ट होती है, और क्या डिनोट करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरी बात देखा जाए पी क्यू वेव्स क्या रिप्रेजेंट करता है, यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे नोड से इम्पल्स कहाँ आते हैं एवी नोड में आते हैं, और एवी नोड से कहाँ जाते हैं बंडल ऑफ फीस में जाते हैं। तो पी वेव्स क्या डिनोट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टिकल। फिर क्या होता है क्यू आर एस, क्यू आर एस क्या डिनोट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंटिकल, मतलब वेंटिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर देखा जाए क्या दिया गया है एस टी वेव्स क्या रिप्रेजेंट करती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंटिकल, क्या डिनोट करती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंटिकल। और टी वेव्स क्या रिप्रेजेंट करती है रिपोलराइजेशन, और टीपी वेव्स क्या रिप्रेजेंट करती है रेस्टिंग फेज ऑफ हार्ट, रेस्टिंग फेज ऑफ हार्ट। अब देखा जाए मशीन कैसे हम ईसीजी निकालते हैं, इसमें क्या होता है तीन इलेक्ट्रिक लीड होती है, तीन इलेक्ट्रिक लीड में से दो लीड एक इस रेस्ट में लगाते हैं एक इसमें लगाते हैं, और लेफ्ट साइड के पैर के एंगल में लगाते हैं एक लीड्स, और तब ईसीजी और चेस्ट में लगाया जाता है, मल्टीपल लीड्स लगाई जाती हैं और तब ईसीजी निकाला जाता है। तो जो ग्राफ प्राप्त होता है वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के बारे में बताता है कि हार्ट का कौन सा पार्ट कैसा काम कर रहा है, उसी हिसाब से फिर डॉक्टर इलाज करते हैं। तो ये ईसीजी होता है। अब देखा जाए क्या होता है ब्लड प्रेशर के बारे में, देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है ब्लड के द्वारा आरटी की वाल पर जितना प्रेशर डाला जाता है उसे क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। आरटी के द्वारा जितना सॉरी ब्लड के द्वारा आरटी की वाल पर सपोज करिए ये आरटी है, यहाँ पर ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड के द्वारा आरटी की वाल पर जितना प्रेशर डाला जा रहा है उसे क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ह्यूमन का बीपी कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन का बीपी कितना होता है 120 अपॉन 80 मिलीमीटर एचजी होता है, कितना होता है इतना होता है। 120 क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 क्या होता है डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इससे अगर ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और इससे अगर लो हो रहा है तो लो ब्लड प्रेशर होगा। आगे देखा जाए हार्ट से संबंधित कुछ बीमारियां भी होती हैं। बीमारियों के बारे में अगर जो अपन देखें तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, देखा जाए एक तो होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, या इसी को क्या कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो हार्ट की वाल को कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड ले जाती है उसकी वाल की इनर सरफेस पर जब कैल्शियम साल्ट डिपॉजिट हो जाते हैं या फाइबर्स डिपॉजिट हो जाते हैं या फैट डिपॉजिट हो जाती है तो हार्ट के अंदर जो ये ब्लड सप्लाई करती है वो उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के अंदर की ल्यूमेन कम हो जाती है, तब उसे क्या कहते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं या कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। अगली बात देखा जाए एंजाइना पेक्टोरिस, देखो क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस, नॉर्मली इसे एंजाइना कहते हैं। जब चेस्ट के अंदर एक्यूट पेन स्टार्ट हो जाती है तब उसे क्या कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इसमें क्या होता है मसल्स को हार्ट की मसल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए जब उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तब उसे क्या कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एक क्या होता है कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है जब ऐसे नोड से कोई भी हार्ट बीट स्टार्ट नहीं होती है मतलब पंपिंग नहीं होती है तब उसे क्या कहते हैं कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है
हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट की मसल्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन जब नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, तब हार्ट अपना काम ठीक से नहीं करता है, तब उसे क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट अटैक अलग होता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हारा खत्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट डे से नया चैप्टर शुरू करेंगे और जम करके पढ़ाई करिए।